इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है खबरों के डबल डोज एक और 11 और आपको बता दें एक बार फिर से प्रधानमंत्री की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज एक बार फिर से राज्यसभा में उन्होंने संबोधित किया सांसदों को और आज का मौका, आज का दिन बेहद खास था क्योंकि आज गुलाम नबी आजाद के साथ साथ चार सांसदों की विदाई थी और ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री ने जब उन दिनों को याद करना शुरू किया तो उनकी आंखें नम हो गई, गला रुंध गया जब एक आतंकी घटना के दौरान गुलाम नबी आजाद ने उन्हें फोन किया था। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए, रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया, वे एयरपोर्ट थे, सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता तो हम आपको वो क्षण दिखा रहे थे जब प्रधानमंत्री राज्यसभा में भाषण के दौरान भावुक हो गए, उनका गला रुंध गया, काफी देर तक उनका भाषण रुका रहा। उसके बाद जब वो सामान्य हुए एक बार फिर से उन्होंने तारीफ की जमकर गुलाम नबी आजाद की, क्योंकि सिर्फ राजनीतिक रिश्ता ही नहीं बताया, उन्होंने कहा कि एक भावनात्मक रिश्ता था हम दोनों के बीच। और ऐसे कई मौके आए जब गुलाम नबी आजाद ने बतौर एक मित्र उनको फोन किया और दो घटनाएं उन्होंने साझा की जिस मौके पर गुलाम नबी आजाद का उनका फोन आया और उस वक्त बतौर एक दोस्त उन्होंने उन घटनाओं के बारे में जानकारी तो बताएंगे। सब कुछ साझा करते हुए आज राज्यसभा में विदाई भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भाषण के दौरान उन्होंने उन भावुक पलों को भी याद किया जब गुलाम नबी आजाद ने अपना वो चेहरा भी प्रधानमंत्री के सामने रखा जिसमें
बतौर एक मित्र वो उनके साथ खड़े हुए थे। ना सिर्फ एक राजनेता के तौर पर प्रधानमंत्री उनको याद करेंगे बल्कि उन्हें एक दोस्त के तौर पर भी बहुत याद आएंगे। गुलाम नबी जी का एक शौक। और बीजेपी के नेता अनिला सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला जी, वाकई ये क्षण जो है वो काफी भावुक करने वाला रहा, लेकिन इससे एक और बात पता चलती है क्योंकि आम जीवन में आप लोग किस तरह से हैं या फिर जो राजनेता हैं वो किस तरह से हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि जो टेलीविजन पर लोग देखते हैं वो यही देखते हैं कि अगर कोई दो अलग अलग दल का है तो उसके बीच मतभेदी है, लड़ाई झगड़े वो देखने को मिलते हैं, कई बार मतभेद दिखते हैं, लेकिन इस तरह का रिश्ता भी एक हो सकता है, ये अपने आप में बड़ी बात। देखिए, हमने देखा है जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका जो एक भावनात्मक रुख है, चेहरा है, हमने देखा है और आज हमने पुनः उसको देखा है। और राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु एक व्यक्ति जो है वो अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर राष्ट्र के विषय में भी चिंता करे, वो उन्होंने आज बताया, जताया, दिखाया। और ये सबक है उन राजनीतिक दलों के लिए भी, उन राजनेताओं के लिए भी जो आज राजनीतिक मतभेद जो है वो व्यक्तिगत रूप में लाकर कितना उल्टा सीधा सब बोलते हैं। तो ये एक सबक सीखने वाला विषय भी है। धन्य है भारत, ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला है। वो राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर व्यक्ति विशेष की प्रशंसा करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। गुलाम नबी आजाद जी ने भी जब मौका मिला, उन्होंने, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी के विषय में भी सब कुछ कहा है, भारतीय जनता पार्टी के विषय में भी सब कुछ कहा है, परंतु वो व्यक्तिगत नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी के रूप में उनको अगर कोई दिक्कत आई है नरेंद्र मोदी जी के को लेकर, तो उन्होंने कहा, यही कहा उन्होंने मोदी जी ने कि भाई आप व्यक्तिगत रूप से भी देखिए। और मुझे लगता है कि पूरा राष्ट्र उनको देख रहा है, पूरा विश्व उनको देख रहा है। इतना एक जो इमोशनल पहलू आज उन्होंने दिखाया है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि कांग्रेस उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करे, कुछ पाठ ले कि राजनीति कैसे होती है, राष्ट्र सर्वोपरि है, ये समझना चाहिए कांग्रेस और राजनीतिक दलों के लिए। व्यक्तिगत आप उसको मत लेकर आए, सबसे पहले राष्ट्र को देखें, फिर अपनी पार्टी को देखें, फिर अपने आप को देखें। भारतीय जनता पार्टी तो यही सिखाती है हम लोगों को, उसका उदाहरण आज इन्होंने फिर से स्थापित किया। बिल्कुल अनिला जी, प्रधानमंत्री का जो ये भावुक स्वरूप है उनका, वो तो देखने को मिला ही, लेकिन साथ ही साथ गुलाम नबी जैसे नेता, पुराने नेता जो वाकई जिनके बारे में जिनकी जो मानवीय खूबियां हैं वो उन्होंने बताई, ऐसे बहुत से और भी सांसद होंगे, ऐसे बहुत से और भी नेता होंगे दूसरे दलों के जो भले ही दूसरे दल में जरूर है लेकिन वो मानवीय पहलू उनका जो है वो बहुत कम सामने आ पाता है, वो देश के प्रति प्यार और इस तरह की खास करके जो बातें हैं वो अब लोगों को कम जानने या सुनने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिला जी हमसे बात करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री एक बार फिर से भावुक हो गए और एक तरह से सल्यूट किया आपने देखा जिस तरह से, और अभिवादन स्वीकार करते हुए गुलाम नबी आजाद को। और जाहिर सी बात है दो लोग, भिन्न पार्टियां, मतभेद अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और इस मंच से प्रधानमंत्री ने इसी बात का जिक्र किया। प्रधानमंत्री भावुक तो हैं ही और उनका ये मौलिक उनका स्वरूप भी है, और कहीं ना कहीं लेकिन ये भी दर्शाता है कि लोग अलग अलग पार्टियों में जरूर हों लेकिन गुलाम नबी जैसे जो नेता हैं वो अपने अंदर जो मानवीय स्वरूप को रखते हैं उसकी तारीफ आज राज्यसभा में की गई। माता जी है, तो ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री इस तरीके से भावुक हुए हों। श्वेता, ऐसे पहले भी मार्क जकरबर्ग का एक कार्यक्रम था और जरा अपनी मां को याद करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन टीवी के कारण उसका उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए बे
अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की, क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। उन्होंने कहा। इसी के साथ एक और 11 में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।